हेलो फ्रेंड्स, विंकिन क्रंची में स्वागत है। मैं हूँ रेखा और लेकर आई हूँ आज एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए फिंगर स्टिक। फलारी फिंगर स्टिक बनाने के लिए हमने देख लेते क्या क्या सामग्री आवश्यकता है। हमने ये दो बड़े आलूओं को स्टिक के आकार में काट लिया है। हमने लिया है ये 2 चम्मच सिंघाड़े का आटा, 1 चम्मच काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, ये सेंधा नमक लिया है व्रत के लिए, और ये लाल मिर्ची को मैंने घर पर ही पीसा है फास्ट के लिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने बाउल ले ली है और बाउल में हम फिंगर स्टिक को डाल लेते हैं। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनके फिंगर स्टिक बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आप मेरी तरीके से बनाएंगे तो ये ठंडे होने पर भी करारे रहेंगे और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो चलिए हम इसमें डालते हैं 2 चम्मच सिंघाड़े का आटा, काली मिर्ची पाउडर आधा ही डालेंगे, आधा हम ऊपर से डालेंगे, और छोटी सी 1/2 टेबल स्पून नमक, और थोड़ा सा लाल मिर्ची, और इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारे मसाले की कोटिंग हो चुकी है। चलिए गैस ऑन करते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तलने के लिए। ऑयल को गर्म होने देते हैं। इसमें बहुत ही कम मसाला लगता है और बहुत ही करारापन आता है, और बनने में भी बहुत आसान है। ये 5 मिनट में सीख जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम स्टिक्स को छोड़ देंगे, धीरे धीरे एक एक करके छोड़ेंगे। देखिए नवरात्र आ रहे हैं, ये बनाने में बहुत ही आसान है, 5 मिनट में बन जाती है, तो और खाने में भी बहुत मजेदार लगती है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब इसको पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो गए और हमारे ये कितने अच्छे सिक चुके हैं। चलिए प्लेट में निकाल लेते हैं। वाह, ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। ऐसे ही हम और सभी को भी सेक लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फास्ट के फिंगर चिप्स बनके तैयार हैं। इस पे हम काली मिर्ची डालेंगे थोड़ी सी, और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, और ये खाने के लिए तैयार हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे फिंगर स्टिक बहुत ही अच्छे बने हैं। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट रेसिपी आने पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।